सैयद जफर इस्लाम को बीजेपी ने दिया इनाम। बीजेपी ने यूपी से जफर इस्लाम को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। बीजेपी के इतिहास में पांचवें मुस्लिम सांसद हो सकते हैं जफर इस्लाम। जानिए कौन है सैयद जफर इस्लाम जिन्हें बीजेपी ने दिया इनाम। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम को राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। बीजेपी ने सैयद जफर इस्लाम को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह के निधन के बाद से राज्यसभा में सीट खाली हुई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। जफर इस्लाम का राज्यसभा सीट के लिए चुना जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर जफर इस्लाम चुने गए तो बीजेपी के इतिहास में पांचवें मुस्लिम सांसद होंगे। दिलचस्प बात यह है, जफर इस्लाम बीजेपी से पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ऐसे में लोगों के लिए ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर कौन है जफर इस्लाम जिनके नाम पर बीजेपी राज्यसभा में दांव खेल रही है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम के उम्मीदवार इसीलिए भी खास है क्योंकि अब तक बीजेपी के इतिहास में 4 ही मुस्लिम सांसद हुए हैं। इनमें मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, सिकंदर बख्त और आरिफ बेग। वहीं सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के पांचवें मुस्लिम सांसद हो सकते हैं। मौजूदा समय में देखा जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी के बाद बीजेपी के दूसरे मुस्लिम सांसद सैयद जफर इस्लाम होंगे। अब तक के बीजेपी के इतिहास में 3 ही मुस्लिम सांसद लोकसभा जीते हैं, जिनमें मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और आरिफ बेग शामिल हैं। जफर इस्लाम को राज्यसभा भेजे जाने का इनाम ये भी माना जा रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। सिंधिया ने अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद राज्य में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान की सत्ता एक बार फिर वापस आ गई थी। माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जफर इस्लाम के अच्छे ताल्लुकात हैं। शायद यही वजह है कि मृदुभाषी और बेहद शालीन व्यक्तित्व के धनी जफर इस्लाम को बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाने की जिम्मेदारी दी थी। आपको बता दें, सैयद जफर इस्लाम झारखंड के रहने वाले हैं और मुंबई में सक्रिय रहे हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो बीजेपी के मुखर, उदारवादी और कॉरपोरेट घरानों से रिश्ता रखने वाला मुस्लिम चेहरा है। पार्टी संगठन में पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। उससे पहले वो 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी की रणनीतिक टीम में थे। वैसे जफर इस्लाम प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं। उनकी आर्थिक मामलों पर पकड़ मानी जाती है। राजनीति में आने से पहले वो डूज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। फिलहाल वो एयर इंडिया के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं। मोदी की राजनीति से प्रभावित होकर ही जफर इस्लाम ने बीजेपी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।